Hey guys, welcome to my new vlog. दूसरा गाड़ी मेरे उधर खड़ा है टीका, उसको पेन के स्पीड को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा वही नई गाड़ी काट दी है। इस गाड़ी का एंट्री करेंगे फिर हम। अभी बज रहा है रात के 9:35 और आप सोच रहे इतना रात को मैं कौन सा वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो मैं फिलहाल चाय बना रहा हूँ, इधर है चाय और इधर मैं दूध गर्म कर रहा था। रात्रि स्टार्ट हो रही है तो मेरे को सुबह उठ के जल्दी पूजा वूजा पूरी नाल से मैं छोटा सा पूजा रहा हूँ। देखो सुबह उठ के पहले मैं साफ़ करूँगा, उसके बाद हम चलेंगे आरती सूजी की वर्कशॉप जहाँ मैं काम करता हूँ। ये गए अभी हो रहे हैं दिन के 11:26 और अभी मैं वर्कशॉप में हूँ। आज जस्ट एक गाड़ी है एक्सीडेंट, उसके अंदर मैं जस्ट फोटोज़ ले रहा था। वर्कशॉप को भी नज़ारा दिखाऊंगा कैसा है मेरा वर्कशॉप जहाँ मैं काम करता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ से कैमरा घुमा के भी आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये है बेस का एरिया जहाँ पुट्टी उट्टी प्राइमर वामर का काम होता है। इसी में आप आगे जाएंगे तो उधर डेंटिंग का एरिया है, इधर गाड़ी को डेंट पेंट कटिंग वेल्डिंग होता है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ऑफिस, उधर आप देख सकते हो उधर बॉडी शॉप ऑफिस, उधर का सर्विस का एरिया जिधर गाड़ी सर्विस होती है उस साइड में। अभी गाइस मैं गाड़ी लेके आ गया था प्लॉट और आप देख सकते हैं सारी नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सारी न्यू स्विफ्ट है जो खड़ी है और वो JCB है और एक आदमी मेरी गाड़ी का एंट्री कर रहे हैं। फिर मैं गाड़ी यहाँ खड़ा करूँगा और दूसरी गाड़ी यहाँ से लेकर, मुझे ये गाड़ी लेके जानी है अर्टिगा। अभी आज गर्मी तो काफ़ी तेज़ है गाइस, अभी मैं प्लॉट आ गया था, बहुत तेज़ धूप है, 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ धूप हो रहा है। और मैं यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर बहुत मेजर गाड़ी एक्सीडेंटल रहती है। चलिए बाहर निकलते गाड़ी से और आपको दिखाता हूँ। गाड़ी को तो पहले बंद कर लेते हैं और गाड़ी की चाबी निकाल लेता हूँ। चाबी अभी आप देख सकते हैं प्लॉट और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ख़त्म गाड़ियाँ सारी खड़ी है यहाँ पर एक्सीडेंट होने। पहले तो मुझे इस गाड़ी को लॉक करना पड़ेगा, लॉक हो चुका है। अब चलते हैं, दूसरा गाड़ी मेरे उधर खड़ा है अर्टिगा, उसको लेके मुझे जाना है वर्कशॉप, उसका काम कराना है। अभी ये मेरा अर्टिगा पीछे खड़ा है, इसको मुझे अभी लेके जाना है, इसको बम्पर चेंज कराना है। फिर चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं, काफ़ी तेज़ धूप हो रहा है भाई। गर्मी है भाई गर्मी, वो अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा। और आप देख सकते हैं नई गाड़ी है, इसका अभी सीट कवर खुला भी नहीं है। टेम्परेचर करते कम और इस फैन के स्पीड को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा अभी तो थोड़ा सा ठंडा होने में समय लगेगा, गाड़ी काफ़ी गर्म है। ठंडा हो जाए काफ़ी ज़्यादा। जैसे भी आते हुए नई गाड़ी बाहर निकल चुके हैं, हम जा रहे वर्कशॉप की तरफ। आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से कितना धूल लगा हुआ है और ये सारी ट्रक में नई नई गाड़ियाँ कंपनी से आई हैं, अभी मेरे ख्याल से उतर चुकी होंगी या उतरने वाली होंगी। आप देख सकते हैं लेफ्ट तरफ वहाँ पर मेन गेट है हमारे वर्कशॉप का, वहाँ जाना है। और ये नई गाड़ी शोरूम जा रही है, नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ है। हमारे वर्कशॉप का मेन गेट अभी गार्ड भी है, इस गाड़ी का एंट्री करेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। और आप देख सकते हो सामने से हमारा वर्कशॉप का नज़ारा ऐसे दिख रहा है और इधर सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, हमारी स्टाफ की गाड़ियाँ इधर उधर घुस चुके हैं वर्कशॉप के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी को सीधे पहले डेंटिंग में दूँगा, आपको दिखा देता हूँ इधर का नज़ारा, मैकेनिकल एरिया और इधर होता है गाड़ी का फिटिंग का काम और सीधा जाता है डेंटिंग एरिया। तो हम जा रहे हैं गाड़ी को लेकर डेंटिंग एरिया की तरफ, ये जा रहा हूँ गाड़ी को लेकर डेंटिंग में। और यहाँ पर गाड़ी को डेंट का काम होता है पूरा, या देख सकते हैं गाड़ी का डेंट वाला काम होता है,
जो साइड डेंटिंग का पूरा काम होता है, अगर गाड़ी का बेस का काम होता है, पुट्टी प्राइमर का काम। अभी जस्ट गाइस मेरे में एक और गाड़ी लगी है और इसका सामने का बम्पर टूटा है, क्लेम प्रोसेस में सारा करवा दिया हूँ। वैसे बाहर निकल कर दिखा देता हूँ, आज भी काफ़ी धूप है यार, दो तीन दिन से कैसी धूप हो गई है देख सकते हैं। धूप देख सकते हैं पीछे का एरिया, उधर है सर्विस का एरिया, उस साइड है गाइस मेरे पीछे जैसा आप देखते हो सर्विस का एरिया। ये आप देख सकते हैं ये बलिनो जो मेरे पास आई है और इसका बम्पर, ये बम्पर स्क्रैच और ये बम्पर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बम्पर नया डालना है। गाड़ी को मैं स्टार्ट छोड़ दिया हूँ, आप देख सकते हैं उधर है सर्विस तरफ का एरिया, उधर गाड़ी का सर्विस होता है और इस साइड ये है बॉडी शॉप का ऑफिस, आप देख सकते हैं बॉडी शॉप का ऑफिस, ये हम लोग का अंदर जाने का ऑफिस के अंदर जाने का एरिया, इधर है सर्विस और वो है मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। गाड़ी के वीडियो उटिंग का काम चल रहा है और ये स्पेयर पार्ट का गेट, यहाँ पर कुछ मेरी गाड़ी का सामान वामान निकाल रहा है इसको ले रहे हैं, और गाड़ी इसका फिटिंग उटिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी पीछे मेजर गाड़ी है जिसका इंजन का सामान मेरा आधा सामान मिला है और कुछ सामान अभी ऑर्डर से आ रहा है, तो फिर ये भी कम्प्लीट होगा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ गाड़ी का मतलब इंजन सस्पेंशन का काम होता है इस तरफ। अभी ये सामने आप देख सकते हैं स्पेयर पार्ट यहाँ से सामने को सामान वामान मिलता है, देख सकते हैं गाड़ी को कुछ पार्ट्स निकल रहे हैं। इधर हम लोग जाएंगे तो गाइस ये है फिटिंग का एरिया जहाँ गाड़ी को फिट विट किया जाता है, देख सकते हैं ये है पेंट बूथ जहाँ गाड़ियों को पेंट वेंट किया जाता है। अभी तो फिलहाल अंदर में शायद कोई गाड़ी नहीं है, अभी सारी गाड़ियाँ बेच पे हैं। और आप देख सकते हैं ये फिटिंग का एरिया जहाँ गाड़ियों को फिट विट किया जाता है और अंदर हम लोग का उधर है ऑफिस जाने का गेट, ऑफिस के अंदर जाने का गेट। अभी इधर कस्टमर लगे कस्टमर बैठते हैं। अभी हो रहा है गाइस शाम के 5:36, आप देख सकते हैं पूरा मौसम पीला पीला हो रखा है। एक बार कैमरा को घुमा के दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं गाइस शाम का समय और लगभग लगभग अभी इस समय खाली रहता है, अभी लगभग डिलीवरी का ही टाइम रहता है, आप देख सकते हैं मौसम पीला पीला हो रखा है पूरा। यहाँ देख सकते हैं ऑफिस के अंदर लाइट वाइट भी चालू हो गया, अंधेरा हो गया। तो इधर सर्विस का एरिया है, वहाँ कुछ कुछ गाड़ियाँ रेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइट के जस्ट नीचे में, और शाम हो गया तो सारा लाइट चालू हो गया है। और ये सीढ़ी ऊपर जाने का जहाँ GM सर बैठते हैं, उधर सर्विस की गाड़ियाँ पूरे खड़ी रहती हैं और यहाँ से मेन गेट। गाइस अभी हो रहा है शाम के 5:35, जस्ट 25 मिनट और है हमारा छुट्टी होने में, इसके बाद मैं जाऊँगा रूम। अभी इसके अगर नवरात्रि का समय है तो आपको एक जगह रस्ते में ही दुर्गा भवन बैठा हुआ है, उनका मैं दर्शन कराते हुए जाऊँगा। भेजा हूँ फूल लेने थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ फूल। और अभी मैं हूँ नया पुल के पास, विकास को मैं भेजा हूँ दूध लेने के लिए, वो यहाँ से ला रहा है दूध। फिर हम लोग निकलेंगे घर और देखिए शाम का समय है, नवरात्रि का टाइम है, इतना भीड़ रहता है यहाँ। मैं रूम आ गया हूँ और हम सब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं मुझे खाना सब हम लोग पूजा भी आ रही है, थोड़ी किचन में है। अभी तो वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ,
और आगे इस भी वीडियो मेरी कंटिन्यू रहेगी। अभी नवरात्रि है तो कदम जाएंगे दुर्गा माता के दर्शन के लिए, तो सारी जगह काफ़ी दर्शन कराऊँगा दुर्गा माता का।